यूपी के प्रयागराज जिले के हंडिया क्षेत्र में 3 दिनों से लापता युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तत्काल पुलिस हरकत में आई, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि हंडिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कुराकाट निवासी शिवशंकर यादव का पुत्र 21 वर्षीय आरव यादव शुक्रवार के शाम को घर से हंडिया बाजार में सब्जी लेने के लिए निकला था। देर रात जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे खोजने लगे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि आरव की मोटरसाइकिल गांव में स्थित तालाब के पास खड़ी है। परिजन भागे भागे वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही तत्काल ही परिजनों द्वारा हंडिया पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर कोतवाल हंडिया ब्रिजेश सिंह मय फोर्स घटना पर पहुंचे। घटना की जानकारी लेने के साथ ही साथ परिजनों की तहरीर के आधार पर खोजबीन शुरू कर दी। वहीं रविवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बगहा ओवरब्रिज के पास प्लांट में एक युवक की लाश पड़ी है। पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाई तो लापता युवक आरव का निकला। आरव के शव को देखकर परिजनों समेत स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। हंडिया थाना क्षेत्र में बीटेक का छात्र है जिसका नाम आरव यादव बताया जा रहा है, 21 वर्षीय। इसकी बॉडी मिली है, 2 दिन से ये लापता था, जिसकी तलाश की जा रही थी परिवारजनों के द्वारा। लाश को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अपराध इसका पंजीकृत कर लिया गया है। जो FIR में नामजद 5 आदमी हैं उसमें से 4 आदमियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है, और जो 5वां व्यक्ति है उसके बारे में तलाश की जा रही है, टीम गई हुई है, उसकी भी अरेस्टिंग करके शीघ्र ही इसे समाप्त किया जाएगा। हत्या का कारण कुछ पता चला? हत्या का कारण देखिए बताया जा रहा है कि ये कुछ इनकी लड़कों की, नए उम्र के लड़के हैं, और इनकी कोई आपस में विवाद रहा था जिस संबंध में इन्हें बुलाया गया था, ऐसा FIR में लिखा गया है। FIR के अनुरूप ये कारण है, और बाकी जो और कुछ एंगल्स हैं उस पर भी पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है।